हेलो गाइस, आज आपके सामने आपको ये वीडियो में दिल्ली सल्तनत को कैसे हम याद रख सकते हैं, हिस्ट्री का ये वीडियो मैंने बनाया है। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज हुई हैं, उनको हम कैसे कैसे क्रमशः याद रख सकते हैं और उनके कौन कौन से संस्थापक रहे हैं, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके बारे में ट्रिक के साथ बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल GSB वीना एजुकेशन फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत को याद करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बता दूं कि तराइन का जो युद्ध हुआ था 1192 और में, तो उसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाने के बाद वो 1206 ईस्वी सन में उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1206। तो देखिए, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 1206। तो 1206 में क्या हुआ दोस्तों, कि जो मोहम्मद गोरी का क्या था, जो गुलाम था और जो दास था, दास जो दास था वो कौन सा था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दास था। अब दास में देखिए, दास को हम ऐसे सिक्स जैसा बनाते हैं ना दा, तो इससे हमें 1206 याद रहेगा। तो जो दास या गुलाम था, उसने अपनी एक डायनेस्टी स्टार्ट करी जिसका नाम था द स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। ये दोस्तों कब से स्टार्ट हुई, 1206 से। तो ये किसने स्टार्ट की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये क्योंकि दास था, तो जो ये दा हम सिक्स जैसा होता है, इसीलिए हम 1206 याद रहेगा। अब दोस्तों, इसका जो अंतिम ईयर वो याद रखने की ट्रिक कैसे रहेगी, अगर हम सिक्स को, ये 12 तो ऐसा कैसा ही लिखेंगे, और सिक्स को हम उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, नाइन जैसा। तो नाइन यहाँ आ गया और ये जीरो इसके पीछे वाला आ गया, तो ये 1290 तक ये चली। तो गुलाम वंश, इसको हम मामलुक वंश भी बोलते हैं, गुलाम वंश। इसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को याद ऐसे याद रख सकते हैं, जो बुद्धू टाइप का होगा, जो जैसे बुद्धू हम ऐसे याद कर सकते हैं, वो कुतुबुद्दीन, तो वही दास बनेगा ना, तो उससे हमें याद रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये एक स्लाव डायनेस्टी का संस्थापक था या गुलाम वंश का संस्थापक था। ये कब तक चला, 1206 से 1290। अब 90 को कैसे याद रखेंगे, ये सिक्स को हम उल्टा कर दें नाइन और ये जीरो। अब इसके बाद जो दूसरी डायनेस्टी आई वो आई खिलजी वंश। अब 1290 से क्या हो गया, खिलजी, खिलजी को ऐसे याद रख सकते हैं खुजली से, खुजली। ठीक है, तो हम 1290 से ये एक टाइप से खुजली या खिलजी स्टार्ट हो गया। तो 1290 में हमें ये कब तक चली, जैसे हम 30 साल जोड़ देते हैं, 30 साल तक ये खिलजली या खुलजी, जो जिससे हमें याद रहेगा, बार बार हम बोलेंगे तो याद हो जाएगा, 1320, ये 30 साल जोड़ देते हैं हम 1290 में। तो 30 साल हमें खिलजी चली या खुजली चली। ठीक है, अब जब खिलजली खुलजी चलती है तो क्या होता है, हमें जलन होती है, तो इसका जो संस्थापक कैसा हो गया, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, ये केवल याद करने के लिए है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए ये खिलजी वर्ड मैंने यूज नहीं किया। तो ये खिलजी डायनेस्टी 30 साल चली, तो 1290 से 30 साल तक, तो 1320, 1320 तक अगर ये चलती रही खिलजी चलती रही, तो क्या हो गया, हमें लग गई। ठीक है, तो लग गई, तो लग गई मीन्स तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश याद हो जाएगा इससे हमें। ठीक है, अगर हम लगातार इचिंग कर देंगे तो हमें लग जाएगा, घाव बन जाएगा, तुगलक ऐसे याद रहेगा। तो ये 1320 से, अब जब लग जाएगी या घाव हो जाएगा तो क्या होता है, 14-14 इंजेक्शन लगे, 14-14 आपको याद रहेगा कि अभी लग जाती है तो क्या होगा, 14-14 इंजेक्शन लगे, तो इससे हमें याद रहेगा 1414 तक। ये 1320 तो यहाँ से आ गया, और इसका अंतिम ईयर कब आ गया, 1414 तक ये चला। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक था, इसको याद रखना पड़ेगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये संस्थापक था। इसके बाद जब ये 1414 इंजेक्शन लगाने के बाद क्या हो गया, हम सैयद हो गए, सैयद हो गए, सैयद ऐसे याद रहेगा, हम सही हो गए, तो ये क्या हो गया, सैयद से क्या अगला वंश आ गया, सैयद। ठीक है, सैयद हो गए या शादी हो गई, इस टाइप से आप याद रख लो। ठीक है, 1414 तक सब सैयद हो गए, अब शादी हो गई, तो शादी में क्या मिला हमें, 14
1451, ठीक है। अब 51 का हमें सगुन मिल गया, 1451 का सगुन मिल गया। इस टाइप से हमें याद रखना कि सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश। अब सैयद वंश या सादी, इससे हम याद रखेंगे तो सादी में हमें क्या मिलता है, खाना मिलता है, तो इससे हमें इसका संस्थापक याद हो जाएगा खिज्र खान, ठीक है, खिज्र खान इसका संस्थापक था सैयद वंश, 1414 से 1451 तक चला। इसके बाद जो अगला इसका आया, जो जब 1451 का हमें शगुन मिला, सब कुछ अच्छा हो गया, तो लोगों के आ गया लोभ, आ गया लोधी, ठीक है, लोभी या लोधी ऐसे हम याद रख सकेंगे। ये लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो 1451 से ये कब तक चली, 1451। अब आप इस 51 को देखिए कि 51 में हम क्या करेंगे, 5 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 1 में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसी 51 को हमें पलट देना है, तो 1 5 2 6 इस टाइप से हमें ये याद हो जाएगा। तो 1451 से ये 5 1 5 2 6 तक ये चलता है। इसका जो संस्थापक था बहुत लोभी टाइप का था, इससे हमें याद रहेगा बहलोल लोधी, ठीक है, लोधी, बहलोल लोधी। तो एक बार और रिवाइज करेंगे, स्लैब डायनेस्टी कब से चलती है, 1206, हमें कहाँ से याद रहेगा, दास के दास है 6, ठीक है, ये कब से, इसको हम 6 को उल्टा कर देंगे तो 90, तो 1206 से 1290 तक ये चली, ठीक है, स्लैब डायनेस्टी। इसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद अगला क्या है, हमें खुजली से याद रहेगा, तो ये 1290 से 30 हम इसमें जोड़ देंगे तो 1320 तक क्या होगा, खिलजी वंश हो गया, ठीक है। अब इसका संस्थापक क्या होगा, हमें चिंग करते हैं तो जलन होती है, तो ये जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अब 1320 से अगर हमें लगातार 30 साल खिलजी चलेगी तो क्या हो गया, तुगलक जाएगी, यहाँ से हमें याद हो गया तुगलक वंश, ठीक है। और ये हमें जब इसमें वो घाव हो गया तो हमने सही कराने के लिए क्या 1414 से इंजेक्शन लगाया, तो ये 1414 तक ये चल रही है। इसका संस्थापक याद करना पड़ेगा, ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब 1414 इंजेक्शन लगने सब सही हो गया, तो इसका हमें याद आ जाएगा सैयद या सादी, सादी से हमें याद रहेगा कि हम 1451 का हम अब शगुन दे रहे हैं, 1414 के बाद क्या हो गया 1451, ठीक है, इसको एस सच यहाँ लिख देंगे। तो अगला क्या आ गया, सादी हो गया, सब कुछ अब लोभ आ गया, तो लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हो गया ये। तो 1451 से, अब 51 से हम 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और इसको हम एक्सचेंज कर देंगे, 51 को 15 बना देंगे, तो हमें ये 1451 से 1526 हमारा लोधी वंश चला। इसके संस्थापक हैं बहलोल लोधी। तो दोस्तों, या मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दिल्ली संतलत के सभी जो वंश हैं और उनके संस्थापक और उनके ईयर वंश ये याद हो जाएंगे पीरियड, तो आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो ये वीडियो से आपको दिल्ली संतलत के सभी जो डायनेस्टीज़ हैं उनका पीरियड है और उनके संस्थापक बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।